सद्दसार राक्षस या राक्षस। रक्षा शब्द आपने सुना होगा, क्योंकि पाली के अंदर शय वर्ड नहीं होता और रक्षा में जो छह है वो आधे के और छह से बना हुआ है। पाली के अंदर ये छह वर्ड यानी क्षत्रिय वाला जो छह है ये नहीं मिलता, इसलिए उसको पाली में रखा है और पाली से बाद में जब मॉडिफाइड किया, बाद में भाषा बनी और इसको मॉडिफाइड किया गया, संस्कारित किया गया, तो इसको रक्षा बोला गया जब छह शब्द बना दिया गया। तो रक्षा करना का मतलब होता है रखा, और सुरक्षित का मतलब होता है सुरक्षितंग या सुरक्षा। सुरक्षा मतलब सुरक्षा का मतलब हो गया यहाँ सुरक्षा। तो रखा का मतलब है रक्षा और सुरक्षा का मतलब है सुरक्षा। उसी से जो लोग सुरक्षा करते थे और जो रक्षा करते थे उनको बोलते थे राक्षस, यानी रक्षा करने वाले को राक्षस बोलते थे और पाली में उसको बोलते थे राक्षस, राक्षस से बोलते थे। इसलिए यहाँ के जो लोग थे, भारत के लोग थे, वो रक्षा करने वाले लोग थे, इसलिए उनको रक्षा करने वाला बोला गया या राक्षस बोला गया या उनको राक्षस बोला गया, क्योंकि वो रक्ती करते थे, रक्षा करते थे, सुरक्षित अंग करते थे। ये पाली में भी आता है कि सभी बुराइयों से हमें सुरक्षित किया जाए। धन्यवाद।